तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फिर से आ गए रे बाबा। तो जैसा कि आप लोग को पता है शादी का सीजन चल रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो सभी डीजे वाले बुकिंग पे बुकिंग उठा रहे हैं, उनमें से हम लोग भी एक हैं। समझ रहे हो। तो आज का हमारा बुकिंग है बारात वाला। हम लोग जा रहे हैं मड़वा रानी, उसी के पास एक गाँव है, वहाँ जा रहे हैं आज। गाँव का नाम तो नहीं पता। और ये रहा अपना सेटअप आज का, 10 बेस, 10 सारपी, 8 लाइनरे, जो कि चलेगा हमारे 40 केवीए के डीजी में। और हमारे सारे लड़के रेडी है जाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो हमारे गोलू डॉन को, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। और आज जो है ज्योतिष नहीं जाएगा हम लोग के साथ, मैं, छोटू, मोनेश और 2-3 लड़के और जाएंगे सेटअप को लेके। और साउंड टेस्ट तो अभी नहीं हो पाएगा आज। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? तो दोस्तों हम लोग को जल्दी निकलना था आज, इसीलिए साउंड टेस्ट नहीं किए हैं। तो डायरेक्ट वहीं जाके साउंड टेस्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग में काफी लोग कमेंट करते हैं कि सॉन्ग कलेक्शन पे वीडियो बनाओ, आपका सॉन्ग कलेक्शन चाहिए करके। तो आप लोग एक बार और कमेंट में बताओ कन्फर्म कि सॉन्ग कलेक्शन पे वीडियो बनाओ या नहीं। और वीडियो का वेट करना, सॉन्ग कलेक्शन पे वीडियो जरूर आएगा। मैं नहीं मानता। मम्मी बोलती है कि कल से तू डीजे बजाने नहीं जाएगा। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तो दोस्तों हम लोग रुके हुए हैं फाटक के पास। आप लोग कमेंट में बताओ कौन सा फाटक है ये, अगर जानते होगे तो। तो बहुत देर से रुके हुए हैं हम लोग, फिर गोलू उतर गया गाड़ी से फाटक को हाथ से खोलने के लिए। फिर आखिरकार ट्रेन आ ही गया, देख सकते हो। देखा हमारे गोलू डॉन का खौफ। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से बारात स्टार्ट होगा, वहां पे बारात स्टार्ट भी हो चुका है, देख सकते हो। ऑपरेटिंग कर रहा हूं मैं, अभी ही शुरू किए हैं हम लोग। वायरिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसीलिए साउंड टेस्ट भी नहीं किए हैं। तो चलो अब यहां से मेरे ऑपरेटिंग का मजा लो। देख सकते हो माहौल बनना शुरू हो चुका है। डीजे रुपेश हो और माहौल ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात तो सही है। तो चलो माहौल बनाते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो हुको सीने से चुरा ले से या पाले काले से।
तो दोस्तों यहाँ पे गाना बंद करना पड़ा है मेरे को, क्योंकि बारात में हो चुका है लड़ाई। देख सकते हो अभी साउंड और लाइट दोनों बंद है। भयंकर भीड़ था बारात में और मारपीट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए डीजे को बंद करवाए हैं अभी। पता नहीं बाराती बाराती या फिर गांव वालों से लड़ाई हुआ है, पता नहीं मेरे को, लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं वो लोग। देख सकते हो सामने भीड़ है और लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ज्यादा नहीं दिखा सकता मैं ये सब वीडियो में, बारात में यही सबसे खराब चीज लगती है, लड़ाई होके पूरा माहौल खराब हो जाता है। अभी हमारे कुछ लड़के नीचे हैं, लाइट को और सेटअप को देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग लड़ते लड़ते लाइट में ही घुस जा रहे हैं पूरा। बाकी हम लोग के साथ तो कोई नहीं लगा है, जो बुकिंग कराए थे वो लोग हम लोग का ध्यान रखे हैं, हमारे और हमारे सेटअप का। तो चलो थोड़ा माहौल शांत होते ही हम लोग अपना सेटअप यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा डीजे वाले से ही लड़ाई हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और यहाँ देख सकते हो सारपी में लाल पेंट लगा हुआ है, यही घुस जा रहे थे वो लोग लड़ाई करते करते, सारपी में भी लगा हुआ है, देख सकते हो खून। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, सभी लड़के लोग आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे। हम लोग यहाँ देख रहे थे कि कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है हम लोग का, तो हम लोग लड़ाई वाले एरिया से बाहर आ चुके हैं। पार्टी वाले और कुछ भाई लोग हमारे साथ थे जो सेटअप को वहाँ से निकलवाने में मदद किए हैं। तो चलो हम लोग भी अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, काफी रात हो चुका है, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।